तो गाइस एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी हिंदी डब में आई है। आप पूछेंगे ऐसी कौन सी फिल्म, तो फिल्म का नाम है सेल्फलेस। इसे देखने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय देना पड़ता है। इसकी हिंदी डबिंग अच्छी की गई है और हाँ इसमें सीन है तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं जिससे आपको आइडिया तो हो कि कहानी आखिरकार कहना क्या चाहती है। तो गाइस इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति को दिखाया गया है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है, पर उसे एक बीमारी है और उसकी मौत जल्द ही होने वाली है। तो वह अपनी यादों को एक दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर देता है, एक जवान शरीर में, और उस शरीर में जीने लगता है। उसका बाद क्या होता है एंड जब वह अपना बॉडी को ट्रांसफर कर देता है उसका बाद क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस जिस तरह का कॉन्सेप्ट इस फिल्म में दिखाया गया है देखकर मजा आया। जी हाँ, जिस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया गया है थोड़ा सा इसमें यूनिकनेस देखने को मिलता है एंड हम लोग जानने की चाह रखते हैं कि आगे क्या होगा। जब वो अपना बॉडी को ट्रांसफर कर देता है, मतलब दूसरे के शरीर में जब ट्रांसफर कर देता है, तो उसका बाद क्या होगा, क्या क्या आगे हमें देखने को मिलेगा एंड फिल्म में कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न आएगा, ये सब एक जानने की इच्छा होती है जिसके कारण आप फिल्म से हुक करके रहते हैं एंड शुरू से ही फिल्म में इंटरेस्ट का आ जाता है। पर हाँ यह भी मैं बोलूंगा कि फिल्म थोड़ा सा स्लो पेस है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। यह कोई फास्ट पेस मूवी नहीं है और ना ही मसालेदार मूवी है। इसमें एक्शन दिखाया गया है पर ज्यादा दिखाया नहीं गया है, बहुत ही कम एक्शन दिखाया गया है, पर जितना भी एक्शन दिखाया गया अच्छा दिखाया गया है। क्योंकि फिल्म अपने एक्शन के नाम पर अपना माल नहीं बेचती है, अपने कॉन्सेप्ट के नाम पर अपना माल बेचती है, अपने स्टोरी के नाम पर अपना माल बेचती है और कामयाब भी होती है। आप यदि कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं, कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये आपकी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, मजा आएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, प्रोडक्शन क्वालिटी भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, यदि आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवी देखना पसंद है, आप कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं, अलग कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फिल्म अच्छा है, एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।